अनुदान कर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा ही खुश रखे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना वो है हमारी स्किन केयर से रिलेटेड। रमज़ान की स्किन केयर कह लें या मेरी इसको समर स्किन केयर कह लें, मैं समर में अपनी स्किन केयर ऐसे करती हूँ क्योंकि ब्लीच ज़्यादा नहीं की जाती, गर्मी लगती है और ब्लीच और फेशियल करने के बाद इतने पसीने आते हैं कि पूछे ना। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अलग 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 दिन में आपने किस तरह से अपनी स्किन केयर करनी है। मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो क्लिप्स रिकॉर्ड होने रुक गए थे। मैंने फ़र्स्ट रमज़ान से लेकर अब तक के क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, आगे पीछे रूटीन है। मैंने डे वन, डे टू और डे थ्री का नाम इस वजह से दिया है कि आप लोग अलग अलग दिनों में ये सब कर सकते हैं, इकट्ठी वीडियो नहीं बनाएगी, अलग अलग दिनों में बनाएगी, आप लोगों ने भी अलग अलग दिनों में ही करना है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूँ, अब जो 15 डेज रह गए हैं ना, मतलब 14 डेज रह गए हैं रमज़ान ख़त्म होने में, आपने अलग अलग दिनों में ये करना है। इससे क्या होगा, इसमें जी आपकी स्किन केयर में आपके पिंपल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पिंपल्स के जो निशान हैं वो ख़त्म होंगे, ओपन पोर्स हैं वो भी ख़त्म होंगे, स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश और यंगर स्किन आपकी लगेगी। अच्छा, आप लोगों ने ना ये अलग अलग दिनों में करना है, एक दिन कुछ कर लिया, एक दिन कुछ कर लिया, एक दिन कुछ कर लिया, जिस दिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना आपने जी वो वाला काम उस दिन कर लेना है। अच्छा, मैंने भी इसको अलग अलग दिनों में किया है, ब्लीच मैंने सबसे एंड में की है, 2 दिन पहले मैंने ब्लीच की है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक अब ये वीडियो देखने के बाद ब्लीच कर लेनी है और एक अब आपने रमज़ान जब ख़त्म होगा तब आपने ब्लीच और जो प्रॉपर फेशियल है ना आपका आप लोगों ने तब कर लेना है। चलें जी, आप चलें और चल के वीडियो देखें, फिर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, एक दिन ना ये जी मैंने ब्लीच की थी, ये मैंने ब्लीच बना ली थी जिस तरह से मैं बनाती हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। और ये जी मैंने ब्लीच लगा ली है, ठीक है जी। ब्लीच को मैंने उतार लिया था और उतारने के बाद मैंने एक बड़े से बॉल में बर्फ़ डाली, बर्फ़ में इस तरह से मैंने पानी लिया और इसको मैंने इस तरह से अपना जिस पे मुँह डिप किया था, 3 से 4 दफ़ा मैंने बार बार इसमें मुँह डिप किया था ताकि आपके पोर्स भी बंद हो जाए। और पूरा फेशियल मेरा करने का कोई इरादा नहीं था और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ लेके भी मुँह पे लगाने का इरादा नहीं था, तो इस तरह से जी मैंने इस तरह से मैंने इसमें पानी में अच्छी तरह अपना मुँह डिप कर लिया था, ठीक है जी। और इसके बाद का जी रिज़ल्ट देखिए आप, ये जी इसके बाद का रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद मैंने पूरा फेशियल तो किया नहीं था, मैंने मास्क लेके ना जो मेरा क्ले मास्क है वो जी मैंने पूरे मुंह पे लगा लिया था। और मास्क को उतारने के बाद का आप रिज़ल्ट देखेंगे जी, मास्क को उतारने के बाद का रिज़ल्ट है। और ये जी मेरे 2 दाने निकले हुए हैं, एक यहाँ निकला हुआ है और एक यहाँ निकला हुआ है दाना, ठीक है जी। फिर आ जाता है डे 2, मतलब किसी और दिन मैंने फिटकरी को ना पानी में डिबोया हुआ था, भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 3-4 घंटों से। फिर मैंने कॉटन पैड के साथ ना ये पूरे मुंह पे इस तरह से फिटकरी लगाई थी कि जहाँ जहाँ जी आपकी कोई रैश है, कोई मसला है आपको, तो ये उसके साथ ना एंटीसेप्टिक होती है, उसका ये क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो इससे भी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको फिर दोबारा मैंने डिप किया, उसको निचोड़ के और फिर अच्छी तरह से जी अपने मुँह पर दोबारा से मैंने ये लगाया। यहाँ पर जो मेरा दाना था ना उस पर मैंने 3 से 4 दफ़ा लगाया था, उससे वो दाना एकदम ही बैठ गया था और उसमें कोई दर्द वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। कि देखिए इस तरह से मैं बार बार दाने पे लगा रही थी, ये सब कुछ मैंने ना अफ्तारी के बाद किया था और ये अलग अलग दिन की हैं। अच्छा जी, फिर एक दिन मैंने क्या किया, मैंने एक दिन जी एलोवेरा जेल जो था वो अप्लाई किया फेस पे, करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बस ये इतना सा एलोवेरा जेल है, इसको हमने अप्लाई करना है। अच्छा जी, एलोवेरा जेल मैंने लिया था, मैंने उसको अच्छी तरह से पूरे मुंह पे लगा लिया है, आंखों के ऊपर नीचे जो निशानात है ना उनको ये ख़त्म करेगा और स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से पूरे मुंह पे जी आप लोगों ने लगा लेना है जिस तरह से मैंने लगाया। फिर जी एक दिन क्या करना है, आपने लेमन लेना है, स्क्वीज़ हुआ, उसको अच्छी तरह से जी आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, जहाँ जहाँ भी आपने लगाने चाहे निशान है दानों के वहाँ कर लें या इसके अलावा कर लें, इस तरह से जी पूरे फेस पर जी आपने अप्लाई कर लेना है। अच्छा जी, फिर एक दिन जी ये डर्मा शाइन का टोनर है, इसको मैंने लगा लिया था, इस तरह से मैंने उसको प्रेस करके निकलेगा, इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, ये स्किन को टाइट करता है। और इसकी जो डिटेल जो वीडियो है ना वो मैं आप लोगों से जल्द शेयर कर लूँगी। और जी इस तरह से जी पूरे मुंह पे मैंने इसको लगा लिया था, लगे रहने दिया था और 2 से 3 घंटे बाद जी फेस वॉश कर लेना है। अच्छा जी, फिर एक दिन बर्फ़ का एक क्यूब लेके मैंने 2 से 3 क्यूब लिए थे और इस तरह से अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लिए थे और इससे क्या होता है जी ओपन पोर्स जो हैं वो आपके श्रिंक हो जाते हैं और आपकी स्किन ग्लो करती है।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको ये स्टेप्स करके दिखाए हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। और जी इंस्टाग्राम पे मैं अपने स्किन केयर के बारे में बताती रहती हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते थे रमज़ान में कि आप कोई स्किन केयर नहीं करी। मैं स्किन केयर कर रही थी और मैं उसकी वीडियो बनाने लग गई थी, मतलब शुरू में 3-4 रोज़ों के बाद ना स्किन केयर की मैं वीडियो बनाने लगी। जिस दिन मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी मैं उसकी वीडियो बना लेती थी। होता ये है कि जब मैं वहाँ पे क्या कहते हैं वीडियो लगाती थी ना कि आज मैं ये करने लगी हूँ, तो कुछ मेरी फ्रेंड्स थी वो कहती हम लोग भी आप लोग आपको देख के ना ये चीज़ें अपने फेस पर कर लेते हैं, जो कि ठीक है जी। और आप ये स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे होंगे ये स्टेप्स। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।